उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम है। अल्मोड़ा में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। नड्डा के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। भाजपा ने पूरे नगर को होर्डिंग और झंडों से सजा दिया है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। पूरे शहर को सजा दिया गया है। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और इस दौरान कई अहम बैठकें होने वाली हैं, कई कार्यक्रम हैं। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर में होर्डिंग और पोस्टर हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं। वहीं आप सांसद भगवंत मान काशीपुर में किसान संकल्प पत्र का विमोचन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। किसानों को मुफ्त बिजली के साथ ही प्रदेश में किसानों के लिए कई काम भी किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज जसपुर से अपना चुनावी संघनाद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है आपके सांसद भगवंत मान जी। सर, आपका एबीपी गंगा में स्वागत है। चुनावी संघनाद किसानों को लेकर शुरुआत हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, संघनाद नहीं बोल सकते हम इसको। हम तो किसानों के आंदोलन में सहयोग देने के लिए मैं पिछली बार भी आया था। और ये जो बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट है, ये खेती की बेल्ट है, और मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और लोकसभा में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो तीनों काले कानून हैं उनके बारे में जो संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है पिछले एक साल से, उसमें आम आदमी पार्टी वैसे भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए और किसानों को कुछ और घोषणाएं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, तो आने वाले दिनों में उन समस्याओं का हल कैसे करें, तो उनके लिए एक संकल्प यात्रा हमने एक प्लान किया और तीन दिन के लिए मैं। सर, संकल्प पत्र का भी विमोचन किया है, क्या क्या घोषणाएं हैं सप्ताह में आने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो तीनों काले कानून जो हैं वो रद्द किए जाएंगे विधानसभा में, जैसे दिल्ली में किया गया है। दूसरा, 2500 रुपये गेहूँ और धान और 400 रुपये क्विंटल गन्ने की खरीद, और गन्ने की पेमेंट जो है वो 15 दिन के भीतर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरे पंजाब में भी वही दिक्कत है कि दो दो साल की पेमेंट जो है रुकी है और किसानों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, धरने देने पड़ते हैं, और गन्ना एक ऐसी फसल है जो तो साल में सिर्फ एक बार होगी, तो मतलब एक किसान की पूरी ज़मीन साल के लिए, अगर उसकी फसल का पैसा नहीं मिला तो ज़मीन समझो एक साल उस ज़मीन से कुछ नहीं मिला उनको, तो ये भी है। और साथ में अगर फसल ख़राब होती है तो दिल्ली की तरफ पर 20,000 रुपये एकड़ मुआवजा, तुरंत मुआवजा, गिरदावरी वगैरह बाद में होती रहती रहे तो, और बिजली मुफ्त जो है 24 घंटे, और पुराने बकाए जो है तो माफ़ करने के, ये उसमें घोषणा है। संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, उत्साह है? पूरा उत्साह है। और हमारे जो बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, ये काशीपुर, ये तो पंजाब है, ये दूसरा पंजाब है, तो मिनी पंजाब बोलते हैं इसको, तो जहाँ पंजाब है तो वहाँ उत्साह ना हो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ भगवंत मान जी, जिनका साफ कहना है कि यदि पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो काले तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता।